बड़ी खबर आपको बता रहे, करौली जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नगर परिषद की पूर्व सभापति रशीदा खातून के खिलाफ एफआईआर। जी, करौली कोतवाली में दर्ज हुई एफआईआर में पूर्व में जारी पट्टे का नाप बता दे आपको, रशीदा खातून, उसके पुत्र और मनोनीत पार्षद अमीनुद्दीन खान, अमीनुद्दीन के पुत्र इकरामुद्दीन तथा तत्कालीन आयुक्त नरसी मीणा के खिलाफ ये एफआईआर, जहां पर आपको बता रहे हैं कि करौली कोतवाली पुलिस कर रही है मामले की पूरी जांच। बता दें ये बड़ी खबर आ रही है करौली जिले से। नगर परिषद की पूर्व सभापति रशीदा खातून के खिलाफ एफआईआर, करौली कोतवाली में दर्ज हुई एफआईआर में पूर्व में जारी पट्टे का नाप बढ़ाकर, बता दें आपको कि जो पूर्व में जारी पट्टे का नाप बढ़ाकर दोबारा पट्टे जारी करने का ये आरोप है उन पर। इस पर ज्यादा जानकारी से हमारे संवाददाता करौली से जुड़ चुके हैं नवीन शर्मा। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी, हेलो जी नवीन, क्या है पूरा मामला ये एफआईआर में जो पूर्व में जारी... मैं आपको बताना जी जी नवीन, आपको आवाज आ रही है हमारी? आपको बता दे, देखिए कि करौली से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एफआईआर में पूर्व में जो जारी पट्टे है का नाप बढ़ाकर दोबारा पट्टे जारी करने का ये जो आरोप लगाया गया है रशीदा खातून पर, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। और आपको बता दे कि उसके जो पुत्र मनोनीत पार्षद, हेलो, आपको बता रहे हैं, हाँ नवीन, क्या जानकारी है जो हमारे संवाददाता करौली से जुड़ चुके हैं? नवीन, क्या है इस पूरे मामले पर जानकारी, क्या अभी सामने आई है? मैम, मामला ये है कि पूर्व में जो नगर परिषद की सभापति थी नशीता खातून और उनके पुत्र अकरम अमरुद्दीन खान तथा एक और साथी, जो बताया जा रहा है उनका पुत्र बताया जा रहा है, तो उसमें पूर्व में जारी किए गए पट्टों को नाप बढ़ाकर, है ना, नाप बढ़ाकर जारी किए गए थे पट्टे जी। तो प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई हुई है इन पर? अब इस पर आज जो गजन सिंह जी भारद्वाज द्वारा, भाजपा नेता गजन सिंह भारद्वाज द्वारा एक महिला कोतवाली थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया गया है, रशीदा खातून अमरुद्दीन खान तथा उनके पुत्र इकरामुद्दीन कर जी। तो कितने वक्त से चल रहा था इनका ये फर्जीवाड़ा जो था पूरा? मैम, ये मामला पुराने कई बार भाजपा नेता अशोक पाठक भी इस पर वो आवाज उठा चुके हैं, इनके निलंबन के बाद ये पहली कार्रवाई, पहली एफआईआर दर्ज हुई है जी। तो इसके ऊपर पहले प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की? पहले प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की मैम जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नवीन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपको बता दें कि जो यहाँ पर है मामला है फर्जी पट्टे जो हैं, जिनकी एक जो है पूरी मात्रा के अंदर उसकी साइज बढ़ाने का ये पूरा मामला सामने आया है। जो खातून है उन पर ये एफआईआर दर्ज भी कर ली गई है। आपको बता दें जहाँ पे एफआईआर दर्ज, जो करौली कोतवाली पुलिस है वो इस पूरे मामले की जाँच कर रही है, और साथ में उन खातून के उनके जो बेटे हैं वो भी इसके अंदर शामिल है। इस खबर पर फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 21। नमस्कार।